हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत टाइम के बाद फिर से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ रही है और इसीलिए कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था और तबीयत भी काफ़ी ख़राब था, इसीलिए कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। पहले सोची थोड़ी सी बैठे बैठे DIY वगैरह कुछ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेस्ट सामान निकला है जो कि उसमें से मैं बहुत सारे DIY आइडियाज मन में सोच के रखी थी, लेकिन इतने ठंड में ना कोई भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सा अभी टाइम मतलब थोड़ा गैप दे दी और उसके बाद बहुत टाइम के बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और जैसे अब थोड़ा सा ठंड कम था, धूप भी निकला हुआ था, इस सोची बालकनी का हालत थोड़ा ठीक कर दूँ, क्योंकि प्लांट्स की हालत भी ना काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो सोची थोड़ा सा खाद दवाई दौरा दे के थोड़ा सा प्लांट्स के हालत को भी ठीक करना पड़ेगा। और कुछ कुछ सबर प्लांट्स भी लगाऊंगी, लेकिन बाद में लगाऊंगी, फिलहाल के लिए मैं इसे बस ठीक करके खाद दवाई दे के इसको छोड़ रही हूँ। और थोड़ा सा इसलिए बालकनी भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन ये सब वीडियो शूट नहीं की हूँ, बस सिंपल सा जब अरेंज कर दी उसके बाद थोड़ा सा आपके साथ वीडियो दिखा रही हूँ। तो आप सभी का प्लांट्स का हालत कैसा है और आपके एरिया में ठंड कैसा पड़ रहा है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं DIY वाला वीडियो। तो पहले ना मेरे पास एक बहुत टाइम से मैं रखी थी एक कार्डबोर्ड रोल है जो कि वॉलपेपर में मिला था, और इसका ना ये काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसको फेंकने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बहुत टाइम से रखी थी, तो मैं सोची आज फाइनल इसका कुछ बनाऊँ। बहुत कुछ आइडिया सोची थी कि थोड़ा सिंपल बनाऊँ या थोड़ा सा ज़्यादा डेकोरेट करूँ, कुछ कुछ दिमाग में चल रहा था। फाइनल में सोच के और मैं कुछ अलग से बनाऊँ, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ये वाला सारे डेकोरेटिव, तो इसलिए मैं सोची इसको बड़ी चीज़ बनाऊँ। उसके बाद मैं जितना मैंने बताया है मेरे रखती हूँ में बहुत बड़ा सा आपका फ्लावर वास बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे करके तो सारे चांसेस होती है, इसलिए थोड़ा सा थिक पेस्ट लेके आप अप्लाई करोगे तो अच्छे से मतलब पेस्ट अप्लाई भी हो जाएगा और हमारा चीज़ परफेक्ट बनेगा। तो यही हम छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान देना ज़रूरी है ये मोज़ेक आर्ट में। इससे पहले भी
मैं आपको वॉल वाला मतलब एक प्लाईवुड में बना के भी आपके साथ शेयर की थी। अभी मैं ये यहाँ पे फ्लावर वास बनाई हूँ, अच्छे से मैं यहाँ पे अप्लाई कर दी हूँ। आप थोड़ा सा थिक पेस्ट लेके इसे अप्लाई करोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा और आसानी से आपका पेस्ट इवनली सारे में कवर हो जाएगा। देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं कवर कर दी हूँ। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा जो वॉल पुट्टी है ना, वो सारे हम यहाँ पे जो पेस्ट है वो निकाल देंगे। आप यहाँ पे व्हाइट सीमेंट भी ले सकते हो, नहीं तो मार्बल पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन वॉल पुट्टी सबसे बेस्ट है क्योंकि ये हमारा कम प्राइस में हम मिल भी जाता है, घर में हमेशा पड़ा भी रहता है और हमेशा, जैसे ज़रूरी नहीं है DIY में, आप वॉल पुट्टी को ज़रूर घर पे रखना ताकि आपका घर में भी कहीं पे भी सीलन वगैरह आ जाए, कहीं भी कवर करना है, कुछ भी चीज़ों पे वॉल पुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कोशिश करना आप हमेशा घर पे वॉल पुट्टी रखें। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जितना भी मैं एक्स्ट्रा हूँ ना, जो वो एक्स्ट्रा जो वॉल पुट्टी है वो सारे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ताकि मुझे बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो मिरर के ऊपर से वो सारे पेस्ट को निकालने में। जितना हो सके आप इसको एक्स्ट्रा जो पेस्ट है वो निकाल देना और हल्के हाथों से निकालना। अगर आप हाथों में एलर्जी है तो आप ग्लोव पहन के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे हाथों में ही थोड़ा मैं अच्छे से कर पाती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बस हाथों को अच्छे से क्लीन करके उसमें बाद जितना भी पेस्ट है वो सारे यहाँ पे हटा रही हूँ। इसलिए मैं पहले से बोली थी अच्छे से आप ग्लू लगा के मिरर को स्टिक करोगे ना, इसी स्टेज में आपका ग्लू हटेगा नहीं, मिरर अच्छे तरीके से स्टिक होके ही रहेगा, नहीं तो आप इस स्टेज में निकलने का चांसेस होता है। तो इसलिए आप अच्छे से ग्लू लगा के ड्राई होने के बाद ही आप ये जो पेस्ट अप्लाई करना। ऐसे ही मैं और एक भी बनाई हूँ जो कि एक पिगी बैंक था एप्पल शेप का, उसी को मैं यहाँ पे ऐसे पहले बहुत टाइम पहले मिरर वगैरह स्टिक करके इसको ऐसे डेकोरेट की तरह डेकोरेट पीस की तरह यूज करी थी, मतलब फ्लावर वास की तरह। अभी इसको मैं फिर से सोच रहा हूँ इसको भी ऐसे ही मोजाइक आर्ट बना दूँ। सेम है, पेस्ट में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई की हूँ, उसी को यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। आप कोई भी कलर ले सकते हो जो कि देख आपको पसंद है, और थोड़ा सा ज़्यादा कलर अप्लाई करना, मतलब ज़्यादा कलर डालना ताकि थोड़ा सा बाद में ना इसका कलर थोड़ा सा फीका हो जाता है। और मुझे ना इतना आइडिया नहीं था, मैं थोड़ा सा कलर डाल दी तभी तो मुझे लगा थोड़ा सा मतलब डार्क है, लेकिन बाद में इसका कलर थोड़ा सा हल्का हो गया। इसलिए आप कोशिश करना थोड़ा सा ज़्यादा ही कलर डालने की ताकि बाद में इसका कलर उभर के आए। ऐसे ही सेम प्रोसेस है, आपको बस ग्लू ऐसे सॉरी वो पेस्ट को अप्लाई करना है अच्छे से इवनली, और वो अच्छे से हटा के इसको भी ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो दोनों को ही मैं अच्छे से बाहर 4 से 5 दिन के लिए मतलब बाहर छोड़ दी थी ड्राई होने के लिए, क्योंकि जैसे बोली विंटर है, थोड़ा सा टाइम लगता है ड्राई होने के लिए। जब आप ये चीज़ें ना सेमी ड्राई हो जाएगा तभी आप थोड़ा सा इसके ऊपर जो भी जो वॉल पुट्टी का जो एक्स्ट्रा जो मतलब ये जो पेस्ट का एक्स्ट्रा है ना, आप कोशिश करना थोड़ा सा गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करने की। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी, इसलिए मुझे थोड़ा छुड़ाने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तो आप जब भी ट्राई करना ना, थोड़ा सा सेमी ड्राई जब होगा ना तभी आप इसको कोशिश करना साफ़ करने की, ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से जो मेरे के ऊपर से ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं आधा तो छुड़ा दी थी और बाकी आधे को जो आप शेयर करूँगी करके थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए छूटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जहीं पर भी थोड़ा ज़्यादा आपको पेस्ट लग गया होगा आप थोड़ा सा नाइफ या किसी की मदद से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं सारे ही हटा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी उसके बाद इसका फाइनल लुक। काफ़ी सुंदर है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन इसका लुक अमेजिंग है। तो देख सकते हो फ्रेंड इसका जब मैं बनाने के बाद इसका क्या लुक आ रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। इसके ना मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ही से ही बनाई हूँ, आप चाहे तो कोई डिफरेंट कलर लेके भी आप बना सकते हो। आप ऐसे ही रखोगे ना तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, नहीं तो जैसे फ्लावर वास की तरह भी यूज कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे फ्लावर वास की तरह ही यूज करूँगी। हम यहाँ पे फ्लावर की डंडी लगा दी हूँ, अभी देखते हैं इसका फाइनल लुक। दूसरा जो है ये है, इसका लुक भी ऐसा कुछ आ रहा है। इसका कलर भी जैसे मैं बोली ना, पहले थोड़ा सा डार्क कलर करता और भी अच्छा लगता, थोड़ा लाइट हो गया, कोई नहीं
पहली बार ट्राई की हूँ तो थोड़ा सा तो गड़बड़ हो ही सकता है। आप जब ट्राई करो थोड़ा सा डार्क कलर लेना। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक तो ले बाय।